वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए बीसीए रिवाइज टर्मेंट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 एमसीए 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 4B के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक भी हम आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिलीशन एंड एलिमेंट फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट, राइट। तो देखिए, जिस तरीके से आपने इंसर्शन में देखा था कि तीन तरीके से इंसर्शन हो सकता था, यानी कि एट द बिगनिंग, एट द एंड और इन बिटवीन, सेम काम डिलीशन के साथ है। हो सकता है आप पहला ही नोड यानी कि बिगनिंग से डिलीट करना चाहते हैं एलिमेंट, या फिर लास्ट नोड डिलीट करना चाहते हैं, या इन बिटवीन, राइट। तो हम लोग तीनों पर बात करेंगे और आप उसी के अकॉर्डिंग एल को लिखेंगे। तो देखिए, सपोज आपकी एक लिस्ट है, राइट, ये आपका स्टार्ट है और ये आपकी एक डबली लिंक लिस्ट है। जैसा कि हमने आपको बताया था, इंसर्शन के केस में जो डबली लिंक लिस्ट होती है उसमें हर नोड के तीन पार्ट होते हैं, राइट, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में दो पार्ट हुआ करते थे। पहला इन्फो पार्ट होता था, दूसरा लिंक पार्ट होता था जो कि अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता था, राइट। लेकिन यहाँ पर तीन पार्ट हैं, एक पार्ट तो इन्फो की तरह है एज इट इज, और एक पार्ट आपका नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए है। लेकिन अब ये तीसरा पार्ट क्यों है, ये आपका प्रीवियस नोड को पॉइंट करने के लिए है, इसीलिए इसको टू वे लिस्ट भी बोलते हैं, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट को वन वे लिस्ट बोलते थे। यानी कि अगर आप इस नोड से इस नोड पर आ गए तो आप इस नोड से प्रीवियस नोड पर नहीं जा सकते थे, राइट। तो क्या होता है इसमें, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा और इसका ये नोड इसको पॉइंट कर रहा होगा, सेम काम यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये लास्ट नोड है इसका नेक्स्ट पार्ट नल हो जाएगा, राइट, और इसका प्रीवियस पार्ट नल हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, ये आपका स्टार्ट है, ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट। ये आपका स्टार्ट नोड हो गया। अब अगर आपको सपोज इस नोड को डिलीट करना है, राइट, तो आपको सिंपल काम क्या करना होगा, टेम्प एक नोड टाइप का होगा जिसमें आप क्या करेंगे, स्टार्ट का एड्रेस कंटेन करा लेंगे, राइट, यानी कि अभी जो टेम्प है वो इसको पॉइंट करने लगेगा और स्टार्ट से कहेंगे कि अब तुम टेम्प का नेक्स्ट कंटेन करने लगो, राइट, या फिर आप यहां पर स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, देखिए इस नोड का एड्रेस तो आपने टेम्प में स्टोर करा ही लिया है, अब स्टार्ट जो है वो यहां से हटके सीधे किससे अटैच हो जाएगा, इस वाले नोड से, राइट, और अब आप कहेंगे स्टार्ट का जो प्रीवियस है, राइट, वो क्या हो जाए, नल हो जाए, यानी कि अभी आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा ये नल कंटेन करने लगेगा और टेम्प का जो नेक्स्ट है वो क्या आ जाएगा, नल हो जाएगा और आप फ्री करा देंगे टेम्प को। तो इस तरीके से आपका पहला नोड डिलीट हो जाएगा आपकी लिंक लिस्ट से, राइट। तो ये तो बात हो गई, आपने बिगनिंग से नोड डिलीट कर दिया, राइट। अब अगर आपको लास्ट नोड डिलीट करना है उस केस में आप क्या करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब आपको लास्ट नोड डिलीट करना है तब आप जिस डाल पे बैठेंगे उसको तो काटेंगे नहीं, आप यहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, राइट। पहले आप क्या करेंगे, एक पॉइंटर ले लेंगे, राइट, जिसमें क्या करेंगे,
आप स्टार्ट का एड्रेस कंटेन करा लेंगे, राइट। फिर आप पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट करेंगे, कब तक? जब तक पीटीआर एरो नेक्स्ट एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल नहीं हो जाता। तो देखिए, जब पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा होगा तो पीटीआर का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा और उसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो बताइए, क्या पीटीआर का नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट नल कंटेन कर रहा है? नहीं कंटेन कर रहा, वो इस नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा है। तब आप क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर एरो नेक्स्ट करा लेंगे, राइट। तो जब पीटीआर इस पे पॉइंट करने लगेगा, आप देखिए पीटीआर का नेक्स्ट और उसका नेक्स्ट नल कंटेन कर रहा है, बस आपको यहीं पर रुक जाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपने एक टेम्प नाम का पॉइंटर लिया होगा, उसमें आप इस नोड का एड्रेस कंटेन करा दीजिए। यानी कि ये क्या कर रहा होगा, पीटीआर एरो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। अब आप क्या करेंगे कि पीटीआर से बोलेंगे कि पीटीआर एरो नेक्स्ट जो है वो अब क्या हो जाए, नल हो जाए, यानी कि ये लिंक यहां से ब्रेक हो गया, अब यहां पर नल आ गया। और टेम्प के प्रीवियस में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी कि ये भी नल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फ्री करा देंगे टेम्प को, राइट। तो ये नोड यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी, आपने एंड से नोड को डिलीट कर दिया। अब बात करते हैं इन बिटवीन, राइट। हम इसी में देख लेते हैं, सपोज एक और नोड बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें सपोज 10, इसमें 20, इसमें 30, इसमें मान लीजिए 40, ये हम डेटा स्टोर करा देते हैं। अब हमें सपोज इस 30 को डिलीट करना है, तो हमें क्या करना होगा कि टेम्प में हम क्या करेंगे, टेम्प में हम इस नोड का एड्रेस कंटेन करा लेंगे, यानी कि हमारा पॉइंटर यहां पर पॉइंट कर रहा होगा, राइट। जो इंफॉर्मेशन हमें रिमूव करनी थी, तो पीटीआर एरो नेक्स्ट हो जाएगा, राइट। पीटीआर का नेक्स्ट हमारा टेम्प में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे, हम पीटीआर से बोलेंगे कि पीटीआर अब तुम क्या करो, तुम जो है वो टेम्प का नेक्स्ट कंटेन करने लगो, यानी कि अब पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट। और पीटीआर के प्रीवियस को हम बोलेंगे कि अब तुम टेम्प का प्रीवियस कंटेन करने लगो, राइट। यानी कि देखिए, टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, तो वो हमने पीटीआर का एड्रेस बना दिया। और पीटीआर यानी कि अब जब पीटीआर इसको पॉइंट करने लगा होगा, अब हमने पीटीआर के प्रीवियस से क्या कहा कि पीटीआर के प्रीवियस अब तुम 30 को पॉइंट मत करो, अब तुम पॉइंट करो 20 को। वो कैसे कर सकते हैं कि टेम्प का जो प्रीवियस जिसको कंटेन कर रहा है उसका एड्रेस कंटेन करो। अब हमने पीटीआर के प्रीवियस में टेम्प का प्रीवियस स्टोर करा दिया, राइट। तो यानी कि ये जो है वो इसको पॉइंट करने लगेगा, राइट। अब हम कह सकते हैं कि टेम्प का जो नेक्स्ट है वो नल कंटेन करने लगे, और यही काम हम इससे कहेंगे कि टेम्प का जो प्रीवियस है वो भी नल कंटेन करे, राइट। यानी कि यहां पर भी नल हो जाएगा और यहां पर भी नल हो जाएगा, राइट। तो ये दोनों लिंक अब टूट चुके हैं, राइट। अब हम यहां पर क्या करेंगे, फ्री करा देंगे टेम्प
को। तो ये हो गया हमारा डिलीशन का कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी एल्गो और सीडो कोड लिख सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।